बात करते हैं कुछ खेलों की। खेलों के हवाले से दो चीजें हैं जो कि खेलों की और अहम जिम्मेदारियों की। अहम जिम्मेदारियों की भाई, एक तो है जी पंजाब की निगरान हुकूमत, जिसके अंदर जो वजीर खेल हैं वो हम सबके महबूब, हम सबके बड़े पसंदीदा खिलाड़ी, बड़े फेवरेट बॉलर, बड़े जबरदस्त बॉलिंग करने वाले जनाब वहाब रियाज साहब। और दूसरा ये कि आज पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड पहला T20 मैच है, तो ये दोनों चीजें जरा हम डिस्कस करेंगे वहाब रियाज साहब से, उनकी कारकर्दगी कैसी है बहैसियत स्पोर्ट्स मिनिस्टर और टीम की कारकर्दगी कैसी होगी। हमारे साथ वहाब रियाज साहब मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वहाब साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया वहाब साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं कि बहैसियत मिनिस्टर जो रोल आपको मिला हुआ है, कैसा चल रहा है, एक्सपीरियंस कैसा है, एंजॉय कर रहे हैं इसे? जी बिल्कुल एंजॉय कर रहा हूँ इसको, और कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ एंजॉयमेंट तक ना रखूँ, काम भी करते रहे। और कोशिश यही है कि आगे जो अभी फर्दर जो आ रहा है हमारे पास टाइम जो थोड़ा बहुत रह गया, उसमें कोशिश यही है कि और ज्यादा से ज्यादा गेम्स खिलाएं, जो ग्राउंड है उनको भरा जाए, ताकि जो हमारे स्पोर्ट्समैन है उनको कुछ ना कुछ फायदा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपको ये ओहदा सौंपा गया था, तो उस वक्त आपको क्या लग रहा था कि हाँ ठीक चुना गया है मुझे, या मतलब यू आर द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, कोई आइडियाज थे, या बाद में आपने सोचा कि चलो अब तो मिनिस्ट्री आ गई, अब कुछ करना पड़ेगा? देखिए आप ये तो नहीं कह सकते यू आर द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, बट ऑब्वियसली कोशिश ये थी कि इसको अपॉर्चुनिटी को लिया जाए और अच्छे से अच्छा बेहतर काम किया जाए। देखिए ये तो अब काम करेंगे तो पता चलेगा कि वेदर आई वॉज द राइट चॉइस और वेदर आई वॉजेंट, बट मेरा ख्याल है कि कामों से पता चलता है कि लोग अपना काम करें या नहीं करें, या उनकी जगह बनती थी या नहीं बनती थी। हमने अभी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक कामयाब रमजान सीरीज करवाई है, और इंशाल्लाह इस तरह के टूर्नामेंट हम आगे भी कोशिश है कि वो मुनक्किद करते रहें। सही। अच्छा इस फेस्टिवल के बारे में भी बताइए, इसका इनेकाद जो है वो किस तरह से हुआ और कितनी कामयाबी से ये मुकम्मल हुआ है? ठीक है, ये शुरू इस तरह हुआ, कैंपेन इस तरह शुरू हुई कि जब मेरा PSL खत्म हुआ और मेरी जो पहली मीटिंग थी निगरान वजीर आला साहब के साथ, मोहसिन नकवी साहब के साथ, तो उसमें जो है उनने मुझे कहा कि यार रमजान है और इसमें क्रिकेट बहुत खेली जाती है रात को, तो रमजान गेम्स हमें करवानी चाहिए। मेरा खुद भी ये इनिशिएटिव था कि हमें रमजान में गेम्स बिल्कुल करवानी चाहिए, क्योंकि उनकी हदायत थी। तो हमने इसको फिर जो है वो अगले 4 दिन में हमने इसको प्रोसेस किया कि 4 दिनों में हमें ये रमजान गेम्स करवानी है और इंसेंटिव्स हमें अच्छे देने हैं, ताकि जितने भी पंजाब लेवल पे हमारे खिलाड़ी हैं जो एसोसिएटेड हैं अपनी टीमों के साथ या अपने जिलों के साथ, तो उनको जो है हम लेके साथ चले। तो इसमें हमारे पास 4 दिन तक मिनिमम टाइम था, और फिर हम लोगों ने इस पर काम शुरू किया, 3 दिन में हमने इसे प्रोसेस करवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जितना हम चाह रहे थे कि, क्योंकि देखिए प्लेयर को जब तक रिकग्नाइजेशन ना मिले उसको कोई पहचानता नहीं, उसको कोई जानता नहीं। तो अगर आपने देखा हो कि जिस तरीके से हम इस दफा ये हमने टूर्नामेंट करवाया, जिसमें हम PTV पे हॉकी तो हमारी लाइव चली रही थी, लेकिन जो बाकी हमने डिजिटल पे 6 प्लेटफॉर्म्स थे, जिस तरह ये दराज ऐप है, ARYZ ऐप है, विडली है, तमाशा है, टैपमैड है और यूट्यूब है, इसमें हमने वो जो स्पोर्ट्स करवाई उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी की गई, ताकि लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस हो, प्लेयर्स को इस चीज़ की अवेयरनेस हो कि उनको लोग देख रहे हैं। और उसमें फिर क्या होता है कि आप कोशिश करते हो कि आप अपना बेस्ट से बेस्ट दें। अगर आपने कबड्डी के मैचेस देखे हो, अगर आपने हॉकी के मैचेस देखे हो, क्रिकेट देखी हो, तो इट वाज ऑल वेरी इंटरेस्टिंग, जिसको हम साथ लेके चले सर। तो अब ये जो आपने फेस्टिवल करवाया, हम भी उन दिनों लाहौर में थे, बड़ा जबरदस्त चल रहा था, बढ़िया आपने जो है वो उसकी पब्लिसिटी भी खूब की हुई थी, कुछ नए प्लेयर्स वगैरह कुछ डिस्कवर हुए इस टूर्नामेंट से, इस फेस्टिवल से? देखिए अभी तो बहुत जल्दी है कुछ कहना ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए पहला टूर्नामेंट है, और इस तरह के जब तक रेगुलर टूर्नामेंट्स नहीं होंगे तब तक टैलेंट का हमें सही तरीके से पता नहीं चलेगा। ऑन द डे कोई भी अच्छा खेल सकता है, लेकिन जिस तरह आपने देखा है मोस्टली हर एक चीज नॉकआउट पे थी। अगर लीग सिस्टम में भी हो तो आपको आइडिया ज्यादा हो जाता है बेहतर कि प्लेयर्स कौन है कैसे हैं। तो अभी टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम इसको थोड़ा सा लीग सिस्टम पे लेके जाएंगे तो होपफुली जो चीजें और टैलेंट है वो और ज्यादा सामने निकल के आएगा। अच्छा बीइंग इन अ कैबिनेट, यानी कि कैबिनेट मेंबर होते हुए जो एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं वो कैसा लग रहा है आपको, और मतलब इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? देखिए डिफरेंट एक्सपीरियंस है, नेवर यूज टू दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, बट ऑब्वियसली हर एक चीज हर एक दिन आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता है। और मैं जितना भी अभी तक कैबिनेट की मीटिंग में बैठा हूँ, आई थिंक एवरीबडी इज वेरी मच पोजेसिव रिगार्डिंग द वर्क, के काम किस तरह करना चाहिए, कितना अच्छा करना चाहिए और कैसे कैसे करना चाहिए और क्या क्या चीजों में बेहतरी होनी चाहिए। सो आई थिंक आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि हर बंदा जो भी इस कैबिनेट का हिस्सा है वो ये कोशिश करता है कि वो अपना काम अच्छे तरीके से करे, बेहतरी लेकर आए चीजों में, सिस्टम में। तो अब इस टूर्नामेंट के बाद कोई और टारगेट्स बनाए, कुछ और टूर्नामेंट्स वगैरह करवाने के, कोई और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के?
देखिए अभी हम लोग काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी अनाउंस करेंगे। हम लोग अभी काम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं कि जी ओलंपिक्स 2026 तो टू अर्ली है, लेकिन 32 जो है वो 28 और 32 जो है उसको हम कर रहे हैं फोकस। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम एक टूर्नामेंट करवाएं जिसको हम बच्चों के जो है वो ट्रायल्स करवाएं, जिसमें हम सारी स्पोर्ट्स को ऐड करें जो ओलंपिक्स में होती है, और कोशिश करें कि उसको एक्सपोजर दे बच्चों को। हो सकता है हमारे पास नया टैलेंट निकल के आए, जब वो टैलेंट निकल के आएगा तो उसको हम लोग कैप्चर करेंगे, फिर हम कोशिश करेंगे कि उन बच्चों के ऊपर हम बाकायदा हम उनके ऊपर जो है अपनी नज़र रखें, और हम लोग कोशिश करें कि उन लोगों को आगे लेके चलें, क्योंकि वो टैलेंट जो आने वाले वक्त में वो टैलेंट जो है वो आके आगे हमें 2028 और 2032 के ओलंपिक्स में काम आ सकता है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे कौन से मेजर तीन इश्यूज हैं जिन पर आपको लगता है कि प्रायोरिटी बेसिस पर काम करने की जरूरत है? मतलब बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, आप एक तो जब आप खेल रहे होते हैं तो आपको इश्यूज का इतना अंदाजा नहीं होता, लेकिन जब आप मैनेजमेंट पोजीशन पर आते हैं तो फिर आपका अंदाजा अलग हो जाता है, आपको बहुत सारी चीजों की समझ आती है। देखिए अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो डायरेक्शन ठीक होने की ज़रूरत है, और वो डायरेक्शन ये होने की ज़रूरत है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है वह गुड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल अराउंड द पंजाब, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वी हैव टू लुक आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द प्लेयर्स। ये ग्राउंड, ये चीज़ें सारी खाली रह जाती है जब आपके प्लेयर्स नहीं आते। तो एक तो मुझे ये ऐसा लगता है कि जो हमारी मेजर इन्वेस्टमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं होनी चाहिए, वो मेन इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी प्लेयर्स डेवलपमेंट में होनी चाहिए। कितने ऐसे बच्चे जो टूर्नामेंट्स जिनके आते हैं लेकिन उनके पास शायद फंड्स नहीं होते, या एसोसिएशंस के पास या फेडरेशंस के पास फंड्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो लोग उनमें क्वालिफाई नहीं कर सकते, रैंकिंग उनकी अच्छी नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो हमें इन चीज़ों पे काम करना है। प्लस सेकेंडली हम लोग चाहते हैं कि हम एक ऐसा इंडिविजुअल एक स्टेप लें जिसमें हम साल का जो है वो अपना एक शेड्यूल जारी करें पंजाब गेम्स का, कि पंजाब में क्या गेम्स होंगी, कौन से महीने में क्या होगा, ताकि जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं वो उसको लेके तैयार रहे और उनको पता हो कि उनके पास नेक्स्ट क्या चीज़ है। इन चीज़ों पे हम काम करें कि एक तो हमारे पास प्लान होना चाहिए अगले 3 साल का, कि अगले 3 साल में हमारे पास क्या फ्यूचर है, हमें क्या स्पोर्ट्स करवानी है, किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके जाना है। प्लस हम लोगों को जो है वो डायरेक्शन ये करनी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, प्लेयर्स को डेवलप करना, तो उनके ऊपर पैसा ज्यादा लगाया जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, आप केयर टेकर गवर्नमेंट में जब आप काम कर रहे होते हैं तो चीजें लॉन्ग टर्म नहीं हो पाती हैं, तो इन सब चीज़ों को जो आपके प्लान्स हैं उनकी कंटिन्यूटी किस तरह से होगी? देखिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो इशू है वो यही है कि जब भी कोई नया आता है वो पुराने की चीज़ों को कहता है कि यार ये ठीक नहीं है, क्योंकि हर एक अपना माइंड सेट है। बट देखिए मैं क्योंकि पहला स्पोर्ट्समैन हूँ प्रॉब्ली जो इस सीट पे हूँ एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर, तो मेरा विजन जो है वो तो बहुत क्लियर है। कोशिश यही होगी कि हम अच्छा काम करें और आने वाले जो लोग होंगे जिन्होंने आगे से इस सीट को संभालना या इस जगह पर काम करना है, कोशिश तो यही होगी कि वो जो हम काम करके जा रहे हैं उसको समझें और उसके ऊपर अमल करें, ताकि जो एक सर्कल है बेहतरी का वो आता रहे हमारे लिए भी और प्लेयर्स के लिए भी। सही। अच्छा, जब आपका स्पोर्टिंग करियर खत्म होगा तो क्या उसके बाद आप सियासत में एंट्री का कुछ सोच रहे हैं? ये इस तजर्बे को मद्देनजर रखते हुए नहीं नहीं यार, मुझे कोई शौक नहीं है सियासत में आने का ना सियासत में एंट्री करने का। ये तो एक आपको पता लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हम आए हैं, और उसको बस कोशिश है कि उस टाइम के दौरान जो है हम चीजों को बेहतर से बेहतर कर ले। अच्छा, ये जो आपने बात की कि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आप आए हैं, बड़ी बहस तो है। ये आपकी बात जो है इस पर जरा मैं पूछना चाहूंगा कि देखें कैबिनेट में ये बात होती है कभी कि हम जो है वो कितने अरसे के लिए यहाँ पर हैं और कितने अरसे के लिए आपको काम करना है, क्योंकि इलेक्शन के जो मामला हैं वो आपके सामने ही है। अब उसकी डेट तो अनाउंस हुई है लेकिन फंड्स रिलीज नहीं हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कितने अरसे के लिए आप हैं? नहीं, आई थिंक हम सबका जो वो माइंड सेट है वो बहुत क्लियर है कि हम लोग 3 महीने के लिए आए हुए हैं और अभी इलेक्शंस जो है वो भी अनाउंस हुए हैं। सो आई थिंक वी हैव नथिंग टू डू विद कि हमें टाइम ज्यादा मिल जाए या हम लोग ज्यादा देर तक रहें, हमारी ऐसी कोई ना तो सोच है ना कोई ऐसा इरादा रखते हैं हम लोग तो एक जो केयर सेटअप है उसको हमने चलाना है, बस उसको चला रहे हैं, जो हमारा टाइम पीरियड है उस तक रखेंगे जो टाइम पीरियड है उस तक रखेंगे। अच्छा, बाबर आजम से कुछ दिन पहले आपकी हुई है मुलाकात, उसके बारे में कुछ बताएं, वो कैसी रही मुलाकात? बिल्कुल, बाबर से हमारी मुलाकात हुई थी जी, उसमें स्पोर्ट्स को आगे लेके जाने के लिए, स्पोर्ट्स को फरोग देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हॉकी के रिवाइवल पे बात हुई, और बाबर का ये स्टांस था कि जी हमें चाहिए कि जो हमारे बाकी स्पोर्ट्समैन है उनको भी हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें, कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से वो उन लोगों को फायदा हो। और अगर आप देखें तो हमारे जितने भी क्रिकेटर्स थे मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए और उन्होंने सपोर्ट किया, हॉकी को स्पेशली सपोर्ट किया,
ग्राउंड में उन्होंने हॉकी भी खेली. सो यू नो जो चीजें हम एज ए क्रिकेटर बेहतर कर सकते हैं अपने साथी खिलाड़ियों के लिए वो हम लोग करेंगे इंशाल्लाह. बिल्कुल सही. अच्छा आज जो मैच है उसकी भी बात कर ले. पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड पहला T20 मैच है आज लाहौर में. न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान में मौजूद है और जाहिर है पिछले दफा जब वो आई थी तो वो चली गई थी. बिल्कुल. तो अब आज के मैच के हवाले से आप क्या कहेंगे, कैसी टीम साबित होगी न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की टीम का क्या आपको लगता है वो जो एक टकरा होगा वो कैसा होगा? देखिए आज जो मैच है मुझे ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान को फेवर करेगा. ऑब्वियसली न्यूजीलैंड के कुछ की प्लेयर्स जो है वो मिसिंग है लेकिन फिर भी वो स्टिल दे आर गोइंग टू बी अ गुड साइड. पाकिस्तान को एडवांटेज होगा और आई थिंक पाकिस्तान विल हैव द अपर हैंड और हम लोगों को ये सीरीज जीतनी भी चाहिए इंशाल्लाह. ओके तो प्रेडिक्शन आ गई है जी वहां रियाज साहब की तरफ से कि पाकिस्तान को अपर हैंड होगा और हमें ये सीरीज जीतनी चाहिए. स्पोर्ट्स मिनिस्टर की प्रेडिक्शन आई है ये. इस दफा ये प्रेडिक्शन अलग है भाई क्योंकि ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर की प्रेडिक्शन है. थैंक यू आप रियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका, वक्त दिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए खासतौर पर और वाकई बड़ी अच्छी आपसे बातचीत हुई.